हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर क्वांटिटीज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। सो द फर्स्ट और मे बी इन द सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, और इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, मोमेंटम डील्स विद अमाउंट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसके साथ कितना सारा मोशन है उसके मेजरमेंट को मोमेंटम कहते हैं। इफ इट इज ट्रांसलेटिंग वी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। सिमिलर, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग वी कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज बच्चो, यस, जैसे इनर्शिया का रोटेशनल एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। वैसे लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो कई बार बच्चों एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज एक्चुअली रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन का एनालॉग है। जो रोल लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन में है वो ही इसका रोटेशनल मोशन में होता है। सो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स इज डिनोटेड बाय एल, यस एल, एंड इट इज बेसिकली इन वेक्टर फॉर्म रिटन एज R vector cross P vector, or in magnitude you can say that it is R into P sin theta, या इसको ऐसे लिख सकते हैं L is equals to P into R sin theta, where R sin theta is perpendicular distance from axis of rotation. Okay? So angular momentum is moment of linear momentum or rotational analog of linear momentum or simple भाषा में amount of motion of a rotating body. It is a vector quantity denoted by L vector given by R cross P. इसका direction right hand rule से पहले ही पढ़ चुके हैं, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular momentum. This is also along the axis of rotation, direction wise. इसका यूनिट क्या होना चाहिए बच्चों? सो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, सो द यूनिट इज गोइंग टू बी लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड डायमेंशंस विल बी एल रेस टू टू, एम रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन। ओके, सो दीज आर डायमेंशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम, जस्ट चेक इट। सो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, kg into meter per second into meter, so kg meter square per second and the dimensions. अब बच्चों rotating body का angular momentum कैसे find करेंगे? जैसे बच्चों हमने kinetic energy find की थी, पूरे body का अगर kinetic energy चाहिए तो पहले छोटे से particle का find किया था, बराबर है, फिर सारे particle का add करके पूरे body का आया था। Similarly बच्चों अगर आपको पूरे rotating body का angular momentum calculate करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर यस उसके बाद सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम आप ऐड करेंगे। अब बच्चों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे? सो एंगुलर मोमेंटम इज पी इनटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो आपको क्या चाहिए, लीनियर मोमेंटम चाहिए। नाउ लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। So if you want to calculate angular momentum of body, you will calculate angular momentum of particle. For that you require linear momentum of particle. Now linear momentum is mass into linear velocity. तो उसके लिए आपको चाहिए होगा linear velocity of particle. So अगर हम reverse आए तो सबसे पहले linear velocity of particle v, उससे मिलेगा linear momentum of particle p, उससे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एल, उससे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी टोटल एल,
आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टोटल बॉडी, उसके लिए चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, उसके लिए चाहिए लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, उसके लिए चाहिए लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, सो कंसिडर दिस टू बी अ रिजिड बॉडी एंड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ and perpendicular to the plane of the diagram. It is rotating with angular velocity omega. अब इस body में बहुत सारे particles हैं, having masses m1, m2, m3, mn. And these particles are situated at perpendicular distance from the axis. Perpendicular distance, yes, मुझे चाहिए था. So इसका distance r1, for second one the distance is r2, like that for last one the distance is rn, in between third wale ke liye I will say r3. Okay, so we have r1, r2, r3 and rn from the perpendicular distance from the axis. Okay, now ab bachcho aapko pata hai ki jab rigid body rotate karti hai to particles of the rigid body will perform circular motion. अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल्स विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट। सो अभी आपका जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी बच्चों, यस, वो टेंजेंशियल होगी। तो यहां पर उसकी लीनियर वेलोसिटी आर वेक्टर को परपेंडिकुलर, सो इसको लिखेंगे p1। अरे सर v1 होना चाहिए, बराबर है, बट लीनियर मोमेंटम p इज नथिंग बट m into v। So, जो v का डायरेक्शन वही p का डायरेक्शन। सो इफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो अलोंग द टेंजेंट। ओके वेल, चलो सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे p2, फॉर थर्ड वन इट विल बी p3 एंड फॉर लास्ट वन इट विल बी pn। सो वंस अगेन बच्चों क्या कहेंगे, हमने एक रिजिड बॉडी कंसिडर करी, सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an axis perpendicular to the plane of the paper and passing through the point O. Let the body consist of n number of particles having masses m1, m2 till mn. All these particles are situated at perpendicular distance r1, r2, r3, rn. I'll consider first particle. So let us consider first particle. So consider first particle. For this first particle, its linear velocity, steps आपको याद रखने हैं, will be v1 is equals to r1 into omega. हाँ, एक point याद था बच्चों कि as the body rotates, all the particles of the body are performing uniform circular motion with same angular velocity but different linear velocity because their distances are different. Okay. Once you know the linear velocity. अगला क्या फाइंड करेंगे बच्चों, स्टेप्स, यस, लीनियर मोमेंटम। सो इफ यू नो लीनियर वेलोसिटी नाउ यू कैन कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, p1 इज m1 v1 दैट इज m1 r1 ओमेगा। आई गॉट लीनियर मोमेंटम। अभी क्या मिलेगा आपको, यस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, बोलो, it is p into r sin theta. Theta is angle between p and r. इधर देख, p और r में angle कितना है, 90. सब जगह p और r में angle कितना है, 90. sin 90 का value 1. so sir लिखेंगे l equal to p into r. वापस सोल, actually is p into r into sin theta. but here the angle between r and p is 90. so everywhere sir is going to write theta is 90. sin 90 will be equal to 1. so straight away I can say angular momentum l1 is p1 into r1. is that clear? now p1 को अगर आप substitute करोगे, so आपको मिलेगा l1 equals to, let me write here, oh, okay, चलो, l1 will be equal to, बोल क्या? p1 is m1 r1 omega into r1. that gives me m1 r1 square omega. similarly l2 क्या होगा? m2 r2 square omega. like that till last, it will be mn rn square omega. तो मुझे हर एक पार्टिकल का क्या मिल गया बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर
I can say total angular momentum. बहुत easy derivation है. Total angular momentum. Yes. बोलो what will be total angular momentum? Total angular momentum is going to be L equals to L1 plus L2 plus dotted 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 Ln. सभी को आपने add कर दिया. अब ये भले ही लग रहा है algebraic sum बच्चों, but it is actually a vector sum. बिकॉज सारे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है अलॉन्ग द एक्सिस. तो जब बहुत सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा हम उनको अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. करेक्ट. सो एल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एल वन कॉपी दैट एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा प्लस 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 डॉटेड डॉटेड आपने तो बोला नहीं था एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा. करेक्ट. ओके यू आर एबल टू सी दैट. फाइन चलो. सो अभी क्या करेंगे यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स? आई कैन टेक ओमेगा कॉमन इन द ब्रैकेट व्हाट एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड एम एन आर एन स्क्वायर. और ये ब्रैकेट देखा तो कौन याद आया? एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड एम एन आर एन स्क्वायर. ब्रैकेट देखा तो कौन याद आया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each and every particle and square of the perpendicular distance. That is nothing but moment of inertia. So I get L is equals to I into omega. This is formula for angular momentum of a rotating body. So बोलो कि ये क्या है? This is angular momentum of particle था बच्चों, या angular momentum of orbital motion. Circular क्या बात कर सकते हैं? अगर object rotate कर रहा है, then L vector is I into omega vector. जो ओमेगा का डायरेक्शन वही एल का डायरेक्शन. ओमेगा का डायरेक्शन वाज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो एल का डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिख लो, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन आर सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये आपने सेकेंड पोस्टुलेट में पढ़ा होगा, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. वॉट वॉज एट एम वी आर? एंगुलर मोमेंटम इज एन नंबर, टू पाई नंबर एच. सो एंगुलर मोमेंटम और एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के डायमेंशन सेम है, लिख लिया अपनी बुक में. इज दैट क्लियर? सो हमने पूरा डिटेल में एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया, उसको डिफाइन किया, उसका डेरिवेशन किया, और फाइनल रिजल्ट भी आपके सामने है. आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सेकेंड डेरिवेशन. सो इन केस ऑफ सेकेंड डेरिवेशन, अगला जो डेरिवेशन है बच्चों जो हम करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी. कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, एक थोड़ा सा चेंज है जो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर बॉडी पर फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है. वैसे जब बॉडी रोटेट करती है तो उस पर टॉर्क लगता है. मतलब जो रोल फोर्स का था अब वो कौन प्ले करेगा? टॉर्क को. आपको ये हमेशा कंपेयर करना है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, फोर्स टॉर्क, एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट. अगर फोर्स रोटेट करने वाला है, घुमाने वाला है, दैट इज नोन एज टॉर्क. हाँ, सवाल ये था बच्चों कि जब बॉडी पर टॉर्क लग रहा होगा तो बॉडी एक्सेलरेट करती है. जैसे फोर्स लगने पर एक्सेलरेट करेगी, सो टॉर्क लगने पर भी एक्सेलरेट करेगी. और अगर बॉडी टॉर्क लगने पर एक्सेलरेट कर रही होगी तो यहाँ पर ओमेगा की जगह अल्फा आएगा बच्चों, अल्फा. और अगर अल्फा आएगा तो आपके सारे पार्टिकल भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे. सर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ माई डियर स्टूडेंट कि वेन यू डिराइव टॉर्क, प्लीज कीप इन माइंड दैट ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन बट विथ चेंजिंग स्पीड. तभी तो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों. इज दैट ओके? सो जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम डिराइव किया, सिमिलरली बच्चों हमको टॉर्क भी डिराइव करना है. ठीक है, चलिए. सो अभी मुझे टॉर्क फाइंड करना है. टॉर्क कैसे करें? लेट्स सी, देखते हैं बच्चों कैसे होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. व्हाट इज टॉर्क? ओके, आई होप यू आर एबल टू रीड. नो, यू आर नॉट एबल टू रीड. आपको दिखाई दे रहा है बच्चों अच्छे से? दिखाई दे रहा. चलो. सो अगर मुझे टॉर्क का एक और नाम चाहिए, सो टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स.
the other name of torque is moment of force. यानी इसको भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो टॉर्क इज रिटन एज, टॉर्क वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा. सो टॉर्क को लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा. व्हाट इज आर साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो आर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. टॉर्क का यूनिट क्या होना चाहिए बच्चों? सो फोर्स का यूनिट इंटू डिस्टेंस का यूनिट, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर. वैसे टॉर्क का यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. ठीक है, इसका डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर क्या होगा? के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर एल टू एम वन टी माइनस टू. यस, अगर आपको याद है दीज डायमेंशंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ एनर्जी. ये पूछते हैं वो टॉर्क इज डायमेंशनली सेम एज एनर्जी या वर्क. वर्क और टॉर्क के डायमेंशन सेम आएंगे. व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा है. टॉर्क में भी तो वही कर रहा है. सो टॉर्क, वर्क, एनर्जी, ये सब डायमेंशनली सेम है. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डायमेंशनली सेम है. ओके, अब अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है पार्टिकल पर लगने वाला, तो कैसे करूंगा मैं? सो व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच इज द सेम बच्चों, पूरे बॉडी का अगर टॉर्क चाहिए तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. हाउ टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाउ टू फाइंड? तो अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आपको फोर्स चाहिए. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहां पर मैंने कहा मोशन एक्सेलरेटेड है, स्पीड चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन कौन सा आएगा बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सर सेंट्रीपिटल क्यों नहीं आएगा? वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. इसलिए याद रखना, जब कभी भी आप टॉर्क की बात करोगे बच्चों, हम टेंजेंशियल फोर्स की ही बात करेंगे. व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस ना. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लिया तो आर वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ही लाइन पर है. तुम कभी सोचते नहीं हो, बट सोचना चाहिए. Whenever we calculate torque, it is only due to tangential force, not due to centripetal force. क्योंकि centripetal force torque generate नहीं कर सकता है. Anyways, चलो. So अब वापस से मुझे चाहिए torque acting on the body. उसके लिए क्या पता होना चाहिए? Torque acting on the particle. उसके लिए क्या पता होना चाहिए? Force into distance. Force क्या होगा? Mass into acceleration. कौन सा acceleration? Tangential acceleration. तो सबसे पहले पता होना चाहिए लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. 80-80 और 80 का फॉर्मूला बच्चों था आर इंटू अल्फा. तो शुरू कहां से करोगे? लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 80 इज इक्वल्स टू आर अल्फा. उससे मिलेगा टॉर्क एक्टिंग, सॉरी फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. उससे मिलेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. उससे मिलेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. आई विल रिपीट इट वंस अगेन. मुझे क्या चाहिए बच्चों? टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. For that, I will require torque acting on the particle. उसके लिए चाहिए मुझे force acting on the particle. उसके लिए चाहिए acceleration of the particle. शुरू कहाँ से करेगा? Acceleration of the particle. वो आपको क्या देगा? Force acting on the particle. वो आपको क्या देगा? Torque acting on the particle. और उससे आपको क्या मिलेगा? Yes? Torque acting on the body. चलो शुरू करें. So मैं diagram change नहीं कर रहा बच्चों. सिर्फ याद रखना कि जब आप टॉर्क का डेरिवेशन कर रहे हो तो आप टेंजेंशियल फोर्स ड्रॉ करेंगे. टेंजेंशियल फोर्स, सो दिस विल बी एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, लास्ट में एफ एन. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ and perpendicular to the plane of the paper. Let this body consist of n number of particles having masses m1, m2, mn situated at a perpendicular distance r1, r2, rn from the axis of rotation. As the body will rotate, particles of the rigid body will perform circular motion with same angular acceleration alpha, yes, same angular acceleration alpha, but the linear acceleration A will be different because A is equal to R alpha. में बच्चों R सबका अलग अलग है, इसलिए A सबका अलग अलग होगा.
समझ में आ रहा है? सर आप ये क्या कर रहे थे? मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? अब आपको चाहिए टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो कंसिडर फर्स्ट पार्टिकल, इंस्टेड ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या फाइंड करेंगे बच्चों? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? ए वन इज आर वन इंटू अल्फा, याद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए इक्वल्स टू आर अल्फा। सो द लीनियर मोमेंटम, ओके नाउ दिस विल हैव टू चेंज। सो आपने क्या क्या ढूंढ लिया बच्चों? लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। सो लीनियर एक्सेलरेशन की मदद से आप क्या निकालोगे? फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, so I'll write F1 equals to M1 into A1. So can you say this? M1 into R1 into alpha. Now I can calculate torque acting on the particle. Torque acting on the particle चाहिए, torque acting on the particle. कैसे मिलेगा torque acting? Tau1 is equals to F1 into R1. So sin theta बराबर बोला, but again between R1 and F1 the angle is 90, sin 90 is 1. So F1 R1. So F1 into R1, F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? ओके, चलो आई हैव रिमूव्ड इट कंप्लीटली, इसको पूरी तरह से हटा दिया है। देखो जरा क्या मिला आपको। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल tau1 विल बी इक्वल टू, so torque acting on the particle tau1 will be equal to F1 into F1, sorry F1, but F1 is M1 R1 alpha, so M1 R1 alpha into R1, so that gives me M1 R1 square alpha. Is that clear? So I got torque 1. Similarly bachcho second torque bhi nikal sakte hain. So second torque भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। Torque two is going to be what? M two R two square alpha. ऐसे करते करते आखिरी वाला torque क्या होगा? M n R n square alpha. Is that okay? सारे torque आपको मिल गए। Therefore total torque acting on the body. Total torque. क्या करेंगे? वापस से torque एक vector quantity है। जब बहुत सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो आप उनको अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, इसलिए टॉर्क विल बी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉटेड डॉटेड टॉर्क n। सो टॉर्क 1 कितना था? m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉटेड डॉटेड क्या करेंगे? mn rn स्क्वायर अल्फा, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू सी, so plus dotted 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 m n r n square alpha। अब क्या करोगे बच्चों? सभी टर्म में से देख थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, सब में से क्या कॉमन लेगा? अल्फा, सो ब्रैकेट में m1 r1 square plus m2 r2 square plus dotted dotted m n r n square। फिर से एक बार बच्चों ये ब्रैकेट को देखा तो क्या याद आया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ each and every particle and square of the perpendicular distance, that is moment of inertia. So मुझे मिला torque is equals to I into alpha. Alpha एक vector है, torque भी एक vector है. Alpha का direction is along the axis of rotation, torque का भी direction होगा along the axis of rotation. So अब बच्चों पांच quantities है जिनका direction along the axis of rotation है और पांचों इसी chapter में हमने पढ़ा है. Angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular momentum, angular torque, मत भूल, it is torque. So all these five quantities are along the axis of rotation. Torque एक vector quantity है जो I into alpha होता है. Is that clear? क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? बोलो. Is that clear? समझा बच्चों? Okay. So now you can simply pause the screen and copy it. इसको आप pause करके लिख सकते हो, ठीक है? चलो
सो अब आगे बढ़ते बच्चों, सो नाउ वी हैव डिस्कस बोथ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट। अगर आपने ये फॉर्मूला ध्यान से देखा बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सो ये जो फॉर्मूला आपको मिला इट इज वेरी मच सिमिलर टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दे टॉर्क एफ आई इनर्शिया एंड ए मास एक्सेलरेशन एंड ए, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इन रोटेशनल इज सिमिलर टू एफ इज इक्वल टू एम ए इन ट्रांसलेशन। आर वी क्लियर? ठीक है, चलो बच्चों अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ बच्चों। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरामीटर्स, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, फिर हमने पढ़ा रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, फिर हमने पढ़ा थियोरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थियोरम, पैरेलल एक्सिस थियोरम, और फिर हमने अभी पढ़ा दो और डेरिवेशन, दैट इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। इज दैट क्लियर? ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए बच्चों। एक बच्चों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इजी और कॉमन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो अगर कई बार एग्जाम में भी एज इट इज पूछ लेते, वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देंगे, आपको अल्फा की वैल्यू देंगे, सॉरी आपको टॉर्क की वैल्यू देंगे और इनर्शिया की वैल्यू देंगे, आपसे पूछा जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या है, विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट? हाँ, बहुत ही कॉमन है वो क्वेश्चन। सो आई गिव यू क्विक रिकैप कि जब काइनेटिक एनर्जी का हमने डेरिवेशन किया था बच्चों, तो हमने क्या फाइंड किया था, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी और पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। ये सब क्या करे सर, आपको सर पॉइंट्स दे रहे हैं ताकि आपको डेरिवेशन याद रह जाए। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये किया, फिर जब मैंने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया, एंगुलर मोमेंटम, तो स्टेप्स क्या थे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और जब मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया टॉर्क, तो स्टेप्स क्या बच्चों, सबसे पहले क्या ढूंढा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सी बच्चों, ये जो सब हेडिंग्स है वो सिर्फ पार्टिकल के लिए है, सो ये तीन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से कोई एक जरूर थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टेप्स क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम के लिए लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड फॉर टॉर्क वी हैव लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। सो ये स्टेप्स आप प्लीज नोट कर लीजिए, सो दैट सॉल्विंग मतलब डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशन एक जैसे ही है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। विद दिस विल स्टॉप इन दिस क्लास ऑल्सो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यूमेरिकल्स। बाय बच्चों।